एथलेटिक्स का एक और सेंटर, पडाना जींद में रेसलिंग का, सिलाना में बॉक्सिंग का, लाडवास में चरखी दादरी में हॉकी का, कबड्डी का, कैथल में फुटबॉल का, अर्सी में। एक बार जोरदार तालियां बजाइए अपने स्थान पर खड़े होकर हम सबके बहुत ही प्रिय, जिनकी बदौलत आज ये बहुत ही स्वर्णिम दिन देखने को मिला है, उन खिलाड़ियों को सपनों को साकार करने का जो अवसर मिला है। जोरदार तालियां बजाइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी के लिए, जिन्होंने आपके हम सबके। आज हरियाणा की खेलों में जो उपलब्धियां हैं वो बड़ी बेमिसाल हैं। 2012 के अगर लंदन में जो ओलंपिक हुए थे उसमें 6 पदक जो मिले थे, 4 पदक उसमें हरियाणा के थे। ये आज का विषय नहीं है, उस समय से 2016 में रियो ओलंपिक में हमारी 2 बेटियां जो जिन्होंने मेडल लिए थे उसमें से 1 बेटी हरियाणा की थी। 2021 के ओलंपिक में भी 7 में से 3 ओलंपिक ये हरियाणा से आए थे। ऐसे ही हमारे जो स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, ट्रैक एंड फील्ड खेल का पहला स्वर्ण पदक ये नीरज चोपड़ा ने ये जीता था। तो इस प्रकार से खेलों की सूची बहुत लंबी है जिसके अंदर हरियाणा का अपना स्थान है। हर खेल में जैसे मैंने बताया 30 से 40% तक हरियाणा की भागीदार होती है। खेलो इंडिया में भी अभी पहला जो खेलो इंडिया हुआ था 128 पदक में से 41 जो पदक है वो हरियाणा ने जीते थे। खेलों के इनाम के नाते से जैसा आपने देखा कि गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक में उसको 6 करोड़ रुपया हरियाणा देता है। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं, नौकरी की सुविधाएं भी जो मेडलिस्ट हैं उन सब के लिए हमने तय की हैं। और इसी प्रकार से जो एशियन गेम्स हैं इसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट को जैसे आज आपने देखा 3 करोड़ रुपए की राशि ये गोल्ड मेडलिस्ट को मिलती है। आज जो आज 44 खिलाड़ियों को जो नगद राशि दी गई है, आज तो एक टोकन जैसा होता है, इसके बाद इनके खातों में राशि शाम तक ही पहुंच जाएगी, वो 81 करोड़ रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के दी है, कुल 81 करोड़ रुपया है। अब एक सुझाव मेरे मन में आया, किसी ने कहा कि अच्छी बात है, खिलाड़ियों की सेहत बनाने के लिए कुछ ना कुछ और भी करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ता हूं, बहुत बड़ी तो नहीं है, कि ऐसे इन सभी 44 खिलाड़ियों को एक विटा घी का टीन, ये भी एक आज मैं अनाउंस करता हूं, इन सबको दिया जाएगा विटा घी का एक टीन, ताकि खाओ पियो खेलो और अपनी सेहत बना करके आगे बढ़ो। इस नाते से भी इस काम को हम करेंगे।